हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर बडी। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूं ना, जिसको आप देखेंगे तो इंडियन रोड पे हर एक शहर में देखने को मिल जाएगी। आज हमारे पास में है TVS की XL 100 हैवी ड्यूटी और ये 2023 मॉडल है, यानी जो अभी अपडेट आया है E20 OBD के साथ में ये यहाँ पर आ जाता है। हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि 2023 में ये कैसे खुद को अभी तक मार्केट में जो एक लीडरशिप है इसकी कैसे बनी हुई है, क्या आज भी इसमें कमी है जो इनको कंपनी को चाहिए बेहतर करे, क्या प्राइस है, कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में होने वाली है। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, आपके लिए तो फ्री है। अब मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो देखिए है क्या कि XL 100 हैवी ड्यूटी का जो शोरूम प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है वो है 39,990 रुपीज़, और वो मॉडल यहाँ पर मेरे पास में खड़ा है जिसका मैं यहाँ पर प्राइस बता रहा हूँ 39,990 रुपये। इन दोनों के प्राइस हो जाते हैं एक्शोरूम प्राइस, और ऑन रोड आते आते अराउंड 50,000 रुपीज़ हो जाता है, यानी 50,000 रुपये में आप घर ले जा सकते हैं। और अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये है XL 100 हैवी ड्यूटी, ये नॉन सेल्फ के साथ में आती है, यानी इसमें सेल्फ नहीं आता है, इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें एक सिंगल सीट में भी आता है, कंफर्ट जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि कंफर्ट में सेल्फ स्टार्ट आता है, XL 100 हैवी ड्यूटी में भी सेल्फ स्टार्ट आता है जिसको आई टच बोलते हैं। इसके अलावा एक विनर एडिशन आता है जहां पर क्या है कि क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है और चीज़ें उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस काफ़ी किए गए हैं, जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा और प्रीमियम नज़र आए। तो इस तरह के अलग अलग 5 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूं उसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 73,000 के आसपास चला जाता है यूपी में। तो एक बड़ा डिफरेंस है जो कि मुझे लगता है जो टॉप मॉडल है उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इतने प्राइस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब बात है 2023 में ये कैसे अपने आप को बचा के रख पाए हैं, मतलब ये है कि आप समझिए इतने एमिशन नॉर्म्स चेंज हुए हैं लगातार और उसमें ये प्रोडक्ट आज भी अपने आप को रखे हुए हैं। कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो गवर्नमेंट कहती आई है वो नॉर्म्स को मीटअप किया है इन्होंने। और अभी क्या है ना कि जब फेज टू आया है BS6 का, तो कई सारे फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट को बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है TVS ने वो चीज़ ध्यान रखी है कि इनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। हालांकि जो सेल है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, एक टाइम था जब TVS XL 100 की सेल लगभग में इंडिया में 80,000-90,000 यूनिट तक हुआ करती थी, आज के टाइम पे लगभग में 40,000-50,000 यूनिट पर मंथ होती है। लेकिन है क्या, बहुत सारी कंपनी ने कोशिश किया कि हम एक मोपेड के रूप में प्रोडक्ट लेकर आए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, और TVS मोटर कंपनी पिछले कई दशकों से ये प्रोडक्ट सेल कर रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको वेरिएंट बता दिए, प्राइस बता दिए, अब यहाँ पर क्या है अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो 100cc में आती है, पहले 70cc में आया करती थी और 100cc में अब आती है। 70cc का इंजन भी सक्सेस था और जब इन्होंने 100cc लॉन्च की ना, तो जो 70cc में प्रॉब्लम थी वो दूर किया और 100cc का भी इंजन काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा। तो यहाँ पर क्या है कि 4-स्ट्रोक इंजन आ जाता है और 100cc में इसके अलावा पावर प्रोड्यूस करता है 4.5 BHP की और 6.3 Nm के आसपास टॉर्क मिल जाता है, जो एग्जैक्ट होगा वो मैं डाल दूंगा। बाकी क्या है कि चेन ड्राइव यहाँ पर मिल जाता है, इंजन बहुत दमदार है, 3 साल की इंजन की वारंटी भी कंपनी यहाँ पर देती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया जब आप इसको चलाते हो ना 50 की स्पीड पे जाओगे तो यहाँ बहुत सारे वाइब्रेशन फील होते हैं। अब है क्या, ये तो इतनी हल्की है, 88 kg इसका वेट हो जाता है नॉन सेल्फ का, 89 kg सेल्फ स्टार्ट का है, तो वो आपको फील भी कराता है, जिससे क्या है जो बुजुर्ग लोग चलाते हैं यानी एल्डर एज के लोग जो चलाते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि एक तो बहुत आसान हो जाता है इस पर बैठना और इसको हैंडल कर पाना। मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मेरी हाइट 5'9" है, आराम से मैं बैठ गया यहाँ पर, आराम से पैर भी लग जाते हैं। शॉर्ट हाइट वाला है, किसी को सीखना है वो भी इसको परचेज करते हैं, लेकिन सबसे मुद्दे की चीज़ ये है कि इसकी पेलोडिंग कैपेसिटी 130 kg है और 130 kg से ज़्यादा लोड यहाँ पर लोग रखते हैं, मतलब टोटल यहाँ पर पेलोडिंग कैपेसिटी मैं बता रहा हूँ, यानी इंक्लूडिंग राइडर। और राइडर आपने कई बार देखा होगा ना, ऊपर तक लोग लाद लेते हैं। अब इसमें क्या है ना कि एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, यानी है क्या कि अगर कुछ भी सामान वगैरह रखना है तो आप ये सीट हटा सकते हो, यानी यहाँ पर डुअल सीट देखने को मिल जाती है। अब इसको क्या है कि बहुत ही ईजी हो जाता है इसको एक्सेस करना,
तो यहाँ पर क्या है, ये सीट हट गई। अब इसको आप सीट चाहो तो इसको घर पे रख लो। और ये पूरा यहाँ पर देख रहे हैं ना, पूरा आयरन का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस पर बोरी वगैरह सामान वगैरह लोग रख लेते हैं। तो जैसा इसका नाम हैवी ड्यूटी, वैसे ही यहाँ पर पूरा इसको डिज़ाइन भी किया गया है। तो है क्या कि इसमें पूरा यहाँ पर क्या है कि लोहा ही देखने को मिलता है, यानी पूरा आयरन हो जाता है। मतलब क्या है, इसका चाहे इसका फ्रंट फेंडर देख लो, फ्यूल टैंक, ये साइड में ये पैनल देख लीजिए, यहाँ पर इसको देख लीजिए, या रियर फेंडर देख लीजिए, ये प्लेटफॉर्म देख लीजिए, पूरा लोहा मिल जाता है। यानी यहाँ पर क्या है कि हैवी ड्यूटी सिर्फ नाम नहीं दिया इन्होंने, वो काम भी किया है, जिससे क्या है कि इसको रफ एंड टफ एरिया पे चाहे जैसे भी टेरेन पे लेके जाओ, ये बढ़िया से काम करती हुई नज़र आती है। 4 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1.25 लीटर के आसपास तो रिजर्व ही हो जाता है, क्योंकि BS6 के साथ में आती है, अंदर फ्यूल पंप लगा हुआ है। अगर फ्यूल नहीं होगा तो फ्यूल पंप चला जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो क्या है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट यहाँ पर 6 to 7 लीटर के आसपास कंपनी कर देना तो मज़ा ही आ जाए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, दो लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। जो कि मैं कह रहा था कि पे लोडिंग कैपेसिटी सिर्फ 130 kg है, लेकिन भैया लोग 130 नहीं, इससे 200 kg तक लोग लाद लेते हैं आराम से। यहाँ पर ये ग्रैब रेल देख रहे हैं ना, तो ये भी बिल्कुल एकदम मजबूत बनाया गया है। हैंडल पे यहाँ पर क्या है कि सामान अगर कुछ भी टांगना है ना, तो आप यहाँ पर टांग भी सकते हो। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, हैंडल कुछ ऐसा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्या है कि यहाँ नीचे की तरफ में भी कुछ भी पेपर वगैरह अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है रखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो हम OBD टूल की बात कर रहे थे ना, तो ये यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, जिससे क्या है कि आप चेक कर सकते हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर मेल फंक्शन की लाइट जल रही है तो आप यहाँ पर इसको लगा कर ईजिली कहीं भी चेक करा सकते हो। वहीं छोटी सी चाबी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी की यहाँ पर बनाई है। जो पहले 70cc में आती थी ना, वो तो बहुत ख़राब दिखती थी, लेकिन अभी क्या है ना, अब इन्होंने काफ़ी बेहतर कर रखा है पिछले कई सालों में। वहीं इसका अगर आप यहाँ पर मीटर कंसोल देखेंगे, काफ़ी बेसिक सा डिज़ाइन किया है। साइड में यहाँ पर हल्का सा क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, इंडिकेटर की लाइट है, हाई बीम का है, और ये यहाँ पर इंजन बेल फंक्शन का है, और यहाँ पर लो वार्निंग इंडिकेटर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर फ्यूल मीटर भी दे दे कंपनी तो अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, E20 यहाँ पर नज़र आ रहा है, लिखा हुआ स्टिकर लगा हुआ है, जो कि कंपनी ने अपडेट कर लिया है। यानी अब यहाँ पर एथेनॉल 20% तक ब्लेंड किया जा सकता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और फ्रंट पे बढ़िया वाली एकदम हेडलाइट देखने को मिल जाती है, राउंड शेप में आ जाता है। आउटर पे यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है, और साथ में क्या है कि नीचे LED DRL भी दिया गया है, तो आपको जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में क्या है कि फ्लेक्सिबल यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप ये देख रहे हैं ना कैसे मैं मोड़ दे रहा हूँ और टूट नहीं रहे। जैसे लोग सामान वगैरह लाद लेते हैं और पीछे यहाँ पर बांध देते हैं ना, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आप आराम से इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। और रफ एंड टफ इसको डिज़ाइन किया गया है। 110mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, और यहाँ पर TVS सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम देता है, मतलब जिससे क्या है कि फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों एक साथ अप्लाई होती है। यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह देख रहे हैं, ग्राफिक्स नॉर्मल है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ग्रीन और ब्लैक कलर का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। वहीं सामान आप कहाँ कहाँ रख सकते हो, ला सकते हो, वो मैंने आपको बताया। जैसे कि यहाँ पर फ्रंट पे आप टांग सकते हो, सीट यहाँ पर इधर है, यहाँ पर आप सीट हटा कर रख सकते हो। चौड़ा सा फ्लोर बोर्ड दिया गया है, मतलब ये है कि आप यहाँ पर भी सामान वगैरह कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हुक भी मिल जाते हैं, क्योंकि क्या है, हुक से आप कुछ भी यहाँ पर टांगना चाहो वो टांग सकते हो। तो ढेर सारा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। अब किक स्टार्ट मोपेड है, तो काफ़ी सवाल ये होंगे कि किक कैसा काम करता है। चलिए किक मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि आखिर किक हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, या इसमें कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट है सही करने की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर साइड स्टैंड लगा होगा ना तो ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेंसर दिया गया है सेफ्टी रीजन की वजह से। तो अभी क्या, साइड स्टैंड लगा हुआ था इसलिए ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। साइड स्टैंड अभी मैंने हटा दिया है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गई सिंगल किक में, और काफ़ी शांत है। इवन अगर आप सेल्फ वाली भी बाइक मोपेड लेते हो तो वो भी बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट मोटर मिल जाती है, वहाँ पर आप हल्का सा बटन दबाते हो स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो साइड में साइड स्टैंड का सेफ्टी फीचर भी दिया गया है, काफ़ी सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर स्टार्ट नहीं होता है।
तो ये चीज़ें हो जाती है। बाकी इसका साइड स्टैंड लगाना और जो मेन स्टैंड लगाना भी काफ़ी इजी है, बहुत हल्का सा आप प्रेस करते हो लग जाती है क्योंकि वेट भी कम है। तो यहाँ पर क्या है कि 2023 में काफ़ी चीज़ें इन्होंने बेहतर की हैं, अच्छी चीज़ें हैं, पिछले टाइम से लगातार इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी ऐसा मुझे लगता है कि अगर बेहतर कर दे कंपनी तो और भी अच्छा हो जाएगा इनके कस्टमर के लिए। पहली चीज़ है कि जो फ्यूल मीटर है वो दे दे, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन अगर फ्यूल मीटर हो जाता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। एटलीस्ट पेट्रोल पता चलता रहेगा कि भैया कितना फ्यूल बचा हुआ है, लास्ट में जब लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्या है, जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दे तो और भी बेहतर हो जाएगा। बाकी ये थी आपके लिए एक्सल 100 हैवी ड्यूटी 2023 एडिशन। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना। आप भी सजेशन दे सकते हैं कि इस मोपेड में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको क्या लगता है कि इसके जो प्राइस हैं वो वर्थ हैं या फिर नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।